जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लता मंगेशकर के निधन हो चुका है और उनके निधन के बाद निधन से जुड़ी कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और ऐसे में कई ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें लता मंगेशकर को लेकर एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल जब लता मंगेशकर जिंदा थी तब सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी, कहा जा रहा था और खबर भी आई थी कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस बात का खुलासा किया और वो चाहता भी था कि जब भी लता मंगेशकर का निधन हो तो लता मंगेशकर के निधन के बाद उनका जो गला होगा उस गले को वो पाना चाहता है ताकि उस गले पर वो रिसर्च कर सके कि आखिर लता मंगेशकर की आवाज इतनी मधुर कैसे हो सकती है, आखिर कोई भी इंसान इतनी मीठी आवाज में गाना कैसे गा सकता है। जी हाँ, इस तरीके की खबर सोशल मीडिया पर सामने आई थी। इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में भी दिया जा सकता था, पर ये लता जी जैसी विराट प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा विस्तार में है। लता मंगेशकर का गाना सुनकर देश की चार पीढ़ियां बड़ी हुई और लता मंगेशकर को खूब प्यार दिया। लता मंगेशकर की बहनों की मोनोपोली चलती थी, लता मंगेशकर ने किसी गायिका को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था क्योंकि लता मंगेशकर के पिता का निधन हो गया था, जिसके चलते लता मंगेशकर के ऊपर सारी जिम्मेदारी परिवार की आ चुकी थी, जहाँ पर लता मंगेशकर को फैसला लेना था अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने का। ऐसे में लता मंगेशकर की जब आवाज देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी छाने लगी, हर कोई लता मंगेशकर की इस प्रतिभा, मेहनत और उनकी मीठे स्वर को सुनता था तो उसी में खो जाता था और ऐसे में लता मंगेशकर को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर लता मंगेशकर को लेकर ये खबर भी सामने आई थी कि जब लता मंगेशकर का गाना एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने सुना था तो वो उस अमेरिकन साइंटिस्ट ने खुद इस बात का खुलासा किया था और कहा था कि जब भी लता मंगेशकर का निधन होगा तो वो चाहता है कि लता मंगेशकर के इस गले को अमेरिका के साइंटिस्ट को दिया जाए ताकि वो इस बात पर रिसर्च कर सके कि क्या कि आखिर लता मंगेशकर जो गीत गाती थी उनकी वो आवाज इतनी मधुर और इतनी मीठी कैसे होती थी, जहाँ पर उनके सुर, उनके लय, उनकी ताल एकदम एक्यूरेट होते थे और यही जानने के लिए वो लता मंगेशकर के गले पर रिसर्च करना चाहते थे। यहाँ तक कि ये खबर भी आई थी कि वो लता मंगेशकर के निधन के बाद उनके गले को खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खबर भी आई थी कि लता मंगेशकर के गले को बेचने से इनकार कर दिया गया था और यहाँ पर लता मंगेशकर के खिलाफ ऐसी बातें हो रही थी उस पर भी विराम लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है ये बात अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पर जरूर आई थी कि वो लता मंगेशकर का गला रिसर्च करना चाहते थे ताकि वो जान सके कि आखिर लता मंगेशकर की आवाज़ इतनी मीठी कैसे हो सकती है। नेक्स्ट 10 लाइफ की रिपोर्ट।